बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है यार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा, आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। सो गाइज, आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी मैं मेरे एकेडमी से। बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल डे है, सो आई वुड लाइक कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी जा रही हूँ एक्चुअली, आज मैं एक है पर्सन, मैं डिटेल आपको अभी रास्ते में बता दूँगी, उनसे मिलने जा रही हूँ और आज पूरे 10 साल के बाद मैं उससे मिलने वाली हूँ। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। हम 10 साल पहले मिले थे और आज मैं 10 साल बाद उससे मिलने वाली हूँ। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। तो मैंने ये तो बता दिया कि मैं जा रही हूँ मिलने, किससे मिलने जा रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। सो मैं मिलने जा रही हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड से। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने कभी भी यूट्यूब पर नहीं बताया है, और वो एक ऐसा फ्रेंड है जिसने मेरी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसी ने मुझे मोटिवेट किया था एक्चुअली यूट्यूब के लिए। तो आज मैं उससे मिलने वाली हूँ। तो आप लोग जो आज मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो, ये आई थिंक उसी की वजह से है, क्योंकि जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था उस टाइम पर उसने मेरा साथ दिया था। और मैं उससे पूरे 10 साल के बाद मिलने वाली हूँ। अभी पूरी जो हमारी स्टोरी है वो मैं आगे चल के आपको बता दूँगी। अभी पहुँच जाऊँ, मेट्रो जा रही हूँ मैं, मेट्रो पहुँच जाऊँ और जब पता नहीं रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम 10 साल पहले जब हम मिले थे एक दूसरे से, हम लोग एक्चुअली साथ में हैं, वो मेरा क्लासमेट ही था, तो तब हम बात नहीं करते थे। और सोचो तब हम 17 साल के थे और आज हम लोग एक तरह से पूरे मैच्योर होकर के मिलने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। सो चलिए चलते हैं, आपको मिलवाती हूँ मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से। So yeah, let's get started. Right guys, तो अभी हम हैं मेट्रो में और अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं, अभी अभी निकली है। बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, मैं पहुंचने वाली एक्चुअली, हम लोग मतलब आप भी, और बस थोड़ा सा और टाइम है, बस अब नेक्स्ट स्टेशन ही है आई थिंक। तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होने वाला है। अभी पता नहीं वो कहाँ है, फ़ोन किया है मैंने, अभी आ ही रहा होगा। मेरे को ये उसका रिएक्शन मतलब पता नहीं कहाँ से आके टिप्पा मार दे। अंदर और मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलवाऊंगी अपने फ्रेंड से। अभी वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है कैमरे में आने में, तो हमने डिसाइड किया कि हम बंगला साहब जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको कोशिश करूंगी लाने के लिए ब्लॉग में। तो चलो अंदर से। कंफर्टेबल नहीं है कैमरे में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रही। दिखाएंगे 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 तो कैसा लगता था तेरी और चल रही करना है। पता चला सब लोग गायब हो जाए कि भगवान ये क्या हो गया था। लड़की झूठ बोले, कोई और था या कोई और। हम लोग जब क्लास में थे ना, तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं किए जब क्लासमेट थे। होती थी पर उतनी नहीं होती थी। एक साल ना के बराबर एक साल थे ना हम लोग साथ में, एक साल तक बात
को नहीं गए, मतलब देखते ही नहीं थे एक दूसरे की तरफ। एक साल के बाद जब चली गई मैं इलाहाबाद से, फिर हम शादी वादी करके फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। तब से हम लोग ऐसे घनिष्ठ मित्र हो गए हैं, घनिष्ठ कि लड़कियां लड़कियां भी क्या दोस्त होते होंगे ऐसे, है ना, और कोई कोई भी क्या दोस्त हो गए ऐसे। मैंने आप लोगों को बताया ना अभी कि मेरी YouTube में हेल्प किसने की थी, मतलब एक तरह से मोटिवेशन वो यही है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब किसी ने मुझे बोला था कि अगर तुझे अच्छा लगता है करने में तो कर, और मैंने किया और देख लो आज क्या उसका रिजल्ट है। और इसका भी YouTube चैनल था जिससे कितने तूने पैसे कमाए थे? 5 रुपए। उस टाइम पे ये मोनेटाइजेशन का तेरा सिस्टम नहीं था ना? मैंने तो 2011 में शुरू किया। हाँ, और उस टाइम पे इसके इसने 5 रुपए कमाए थे। उस टाइम पे बस वीडियोस डालो और डॉलर आते थे, ऐसा वाला सिस्टम था। कर लिया होता तो आज पता नहीं कहाँ होता। लेकिन कोई बात नहीं, इसका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे काम आया। अभी हम लोग बंगला साहिब में बैठे हुए हैं, थोड़ा देर पंचायत हो रही, पुरानी बातें मिल बैठे दो यार। नगर जाना है, घूम लिए फिर लिए, अब निकल लिए अपने अपने रास्ते, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम पता नहीं अब कब मिलेंगे, पर जब भी मिलेंगे तो ब्लॉगिंग जरूर करेंगे। अरे तो कब ब्लॉग करोगे ना, क्यों? हाँ, एंड आते हुए मुझे थोड़ा सा अभी टाइम हो गया है, मैं थोड़ा एक जगह और गई थी काम से। सो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आया उसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद में मैं उससे मिली थी। होता है ना आप सभी की लाइफ में भी कोई ना कोई आपका एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होगा, वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो। आपको मेरा फ्रेंड कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। सो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।